ओके ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज के पहले बढ़ने वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। स्नेहा, आप चाहे तो दोनों शेयरों के पे चुन सकते हैं, चाहे तो आप एक शेयर पे जवाब दे सकते हैं, आप चाहे तो दोनों शेयरों को गिरा भी सकते हैं, चॉइस आपकी है। हमने सिर्फ डेरिवेटिव डाटा पे ये दो शेयर आपके सामने रखते हैं जिसमें आप फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप है यानी कि ताज़ा खरीदारी है। वो शेयर होंगे आज टाटा मोटर्स और दूसरा है डेल्टा कॉर्प। इन दोनों का स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, दोनों के अंदर बिल्डअप ठीक था, प्राइस एक्शन ठीक है, इसलिए हम आपके सामने लेके आए। आज टाटा मोटर्स को लेके जेपी मॉर्गन रिपोर्ट भी है जो कि 600 प्लस का टारगेट भी दे रही है। आपकी राय दोनों शेयर्स पे? रवि जी, मुझे अगर आप काउंटर स्पेसिफिकली पूछे तो मुझे ऑटो स्पेस ओवरऑल काफी अच्छा लग रहा है। उसमें तो टाटा मोटर्स ही काउंटर में हमने जब भी पुल बैक आया था 89 EMA से, हमने उसमें लॉन्ग भी इनिशिएट किया था। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को फोकस करना है तो आई थिंक टाटा मोटर्स वुड बी माई प्रिफर्ड बेट। आप इस काउंटर में लॉन्ग करके चल सकते हैं। अगर किसी को स्टॉप लॉस लगाना है 490 के आसपास एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। एक बार ये काउंटर आपको 528 से लेके 530 के लेवल दिखा सकता है इमीडिएट। ओके ठीक है, आप डेल्टा कॉर्प के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, सिर्फ टाटा मोटर्स के बारे में बात रखेंगे? मुझे डेल्टा कॉर्प इतना नहीं पसंद आ रहा है, टाटा मोटर्स ओवरऑल मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये काउंटर।